नमस्ते, मैं प्रेमचंद सर। आज महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर एक्सपेंशन फॉर्मूले प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन। ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन एक्सपन सॉल्यूशन। ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन, अभी इसको हम लोग पहले ये जो टर्म है ए के साथ लेंगे, फिर टू के साथ। मीन्स बारे बारे से पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर टू से करना है। तो ये ए इंटू ए माइनस वन प्लस टू इंटू ए माइनस वन, तो ये ए इंटू ए माइनस ए प्लस टू इंटू ए माइनस टू, टू वन जा टू। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू ए, तो ए माइनस टू। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। एम माइनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स सॉल्यूशन। एम माइनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स, फिर हम लोग एम से ये लेना है और फोर से भी ये पूरा टर्म लेना है। तो एम इंटू एम प्लस सिक्स माइनस फोर इंटू एम प्लस सिक्स, तो ये एम इंटू एम प्लस सिक्स इंटू एम माइनस फोर इंटू एम माइनस फोर इंटू सिक्स, तो ये एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम माइनस टू एम सॉरी माइनस फोर एम, फोर सिक्स जा 24, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सिक्स एम माइनस फोर एम इक्वल टू टू एम माइनस 24। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। पी प्लस एट इंटू पी माइनस थ्री सॉल्यूशन। पी प्लस एट इंटू पी माइनस थ्री, फिर जो है पी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एट से। तो ध्यान दो, पी इंटू पी माइनस थ्री प्लस एट इंटू पी माइनस थ्री, तो p इंटू पी माइनस थ्री इंटू पी प्लस एट इंटू पी माइनस थ्री इंटू एट, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस एट पी माइनस 24। तो p स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस एट पी, तो ये हो जाएगा प्लस फाइव पी माइनस 24। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। थर्टीन प्लस एच
इनटू 13 माइनस एक्स। सॉल्यूशन 13 प्लस एक्स इनटू 13 माइनस एक्स। अभी हमें 13 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है फिर एक्स से, तो हो जाएगा 13 इनटू 13 माइनस एक्स प्लस एक्स इनटू 13 माइनस एक्स। तो ये 13 इनटू 13 माइनस 13 इनटू एक्स प्लस एक्स इनटू 13 माइनस एक्स इनटू एक्स। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 13 एक्स प्लस 13 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो 169 माइनस 13 एक्स प्लस 13 एक्स दोनों कट जाएगा, बचा ये पार्ट एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 5y। सॉल्यूशन 3x प्लस 4y इनटू 3x प्लस 5y। तो सेम 3x से पूरे टर्म लेना है फिर 4y से पूरे टर्म। तो 3x इंटू 3x प्लस 5y प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 5y प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y इंटू 5y। ये 9x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12xy प्लस 20y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 15xy प्लस 12xy, तो 27xy प्लस 20y square. This is your answer. Question number 6. 9x minus 5t into 9x plus 3t. Solution 9x minus 5t into 9x plus 3t. तो सेम पहले 9x से पूरे टर्म लेना है फिर 5t से पूरे टर्म। सॉल्यूशन 9x into 9x plus 3t minus 5t into 9x plus 3t। तो 9x into 9x हो जाएगा plus 9x into 3t minus 5t into 9x minus 5t into 3t। तो 9 9 जा 81x square plus 9 3 जा 27xt minus 5 9 जा 45xt minus 15t square। ये 81x square plus 27xt minus 25xt। तो 25 minus 7 15 minus 7 8 3 minus 2 1
ये बड़े हैं तो माइनस लेना है, तो ये बड़ा जो है नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। एच टी माइनस 15 टी स्क्वायर दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7। एम प्लस 2/3 इंटू एम माइनस 7/3 सॉल्यूशन। एम प्लस 2/3 इंटू एम माइनस 7/3 तो ये हो जाएगा एम इंटू पूरे टर्म फिर 2/3 इंटू पूरे टर्म इक्वल टू एम इंटू एम माइनस 7/3 प्लस 2/3 इंटू एम माइनस 7/3 तो ये एम इंटू एम माइनस 7/3 इंटू एम प्लस 2/3 इंटू एम माइनस 7/3 इंटू 2/3 तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 7/3 एम प्लस 2/3 एम माइनस 7 × 2 = 14/3 × 9। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस माइनस 7 + 2 तो माइनस 5 थ्री से मैं तो 3 एम माइनस 14/9 दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x सॉल्यूशन ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x तो ये एच इंटू एच माइनस एच इंटू 1/x प्लस 1/x इंटू एच माइनस 1/x इंटू 1/x अभी ये एच ये एच कर जाएगा ये एच ये एच कर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/x इंटू एच एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा एच स्क्वायर माइनस 1/x² ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 1/y + 4 इंटू 1/y - 9 सॉल्यूशन 1/y + 4 इंटू 1/y - 9 तो ये हो जाएगा 1/y इंटू 1/y - 9 प्लस 4 इंटू 1/y - 9 तो 1/y इंटू 1/y ये दोनों और फिर ये दोनों होगा 9 इंटू 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 4 इंटू 9
तो ये हो जाएगा 1/y² - 9/y + 4/y - 36। तो 1/y² ध्यान दो, जब दोनों सेम है तो नीचे y, -9 + 4 तो -5 हो जाएगा, -36। दिस इज योर आंसर।